आपने काफी इंतजार किया और इतने प्रेम से मेरा स्वागत किया इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस सभा में आपका भी स्वागत आपने घनी-घनी राम राम कासियान हो अच्छे हो मुस्कुरा रहे हो खुश लग रहे हो केकड़ा केकड़ाधीश बालाजी लोक देवता देवनारायण भगवान जी लोक देवता बाबा रामदेव जी भगवान परशुराम जी भगवान महावीर स्वामी जी हजरत ख्वाजा फखरुद्दीन चिश्ती जी वीर तेजा जी महाराज जी इन सब महान आत्माओं को भगवानों को देवताओं को मेरा प्रणाम तो देखिए अभी त्यौहार का समय था ना अभी अभी दिवाली हुई तो त्यौहार के समय हम सब क्या करते हैं क्या करते हैं त्यौहार के समय हाँ सफाई करते हैं त्यौहार के समय घर को साफ करते हैं अच्छे अच्छा खाने का की चीज़ें बनाते हैं मेहमान आते हैं हमारे घर पूजा पाठ करते हैं हम तो ये त्यौहार का समय हम के समय में हम करते हैं और जब कटाई का समय होता है तो क्या करते हैं खेती में जाते हैं सुबह से शाम तक काम करते हैं कटाई करते हैं तो चुनाव का समय आता है तो हम क्या करते हैं क्या करना चाहिए हमें सफाई <laughs> देखिए चुनाव का समय होता है तो एक चीज तो आप कर ही रहे हैं ऐसी सभाओं में जाते हैं हम और बड़े बड़े नेता आते हैं अलग अलग पार्टियों के उनकी बातें सुनते हैं फिर उन बातों का हम अनुमान लगाते हैं कि भाई इन बातों में वजन है कि नहीं है लगाते हैं कि नहीं फिर हमें अपना अनुभव देखना चाहिए कि चुनाव का समय है आगे भविष्य में पाँच सालों के लिए क्या होगा हमारे प्रदेश में हमारे प्रदेश में पाँच सालों से क्या चल रहा है इसका हम अनुमान लगाते हैं हम देखते हैं कि भाई हमारा अनुभव क्या है क्या हमारी तरक्की हुई है क्या जो सरकार हमारी जो चल रही है उसने हमारे लिए अच्छे अच्छे काम किए हैं कि नहीं इसका हम आकलन करते हैं और हम जब ऐसी सभाओं में आप लोग आते हैं तो एक बात बहुत ज़रूरी है कि आप ध्यान से हमारी बातें सुने चाहे हम हों चाहे भाजपा के नेता हो ध्यान से हमारी बातें सुने और कोशिश करें इसका अनुमान लगाने का कि इन बातों में कुछ वज़न है कि नहीं है, है कि नहीं तो अभी हाल ही में मोदी जी आए थे राजस्थान मैंने देखा उनका भाषण कहने लगे कि ये कांग्रेस के नेता एक दूसरे को रन आउट करने में लगते हैं ऐसा बोला उन्होंने तो मेरे मन में ये बात आई कि भाई इनके बातों में तो कोई वजन ही नहीं है हमारे सारे नेता हमारे सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर मजबूत बन के रणभूमि में उतरे हुए हैं बल्कि इनको भाजपा की अपनी स्थिति देखनी चाहिए इनकी स्थिति क्या है बिखरी हुई है इनकी पार्टी हिट विकेट तो ये है राजस्थान में भाजपा वाले तो ये बात उन्होंने की एक बात और असलियत कुछ और है कह रहे हैं कि हम लोग रन आउट करते हैं हिट विकेट इनकी पार्टी है इनकी पार्टी पूरी तरह से बिखरी हुई है इनके नेता जो बड़े बड़े नेता हैं उनको इन्होंने परे कर दिया है किसी को मालूम ही नहीं है कि अगर मुख्यमंत्री बनेगा तो कौन बनेगा किसी को नहीं मालूम बल्कि बल्कि ये दूरबीन से जाकर ढूंढ रहे हैं पूरे राजस्थान में कि भाई हमारा नेता कौन बन सकता है क्योंकि जो बड़े बड़े नेता थे उनको साइड कर दिया इन्होंने तो बात यह है कि जब नेता आपके सामने आता है तो उसकी बातों के वजन को आप तोलिए कि किस आधार पर कह रहे हैं जो कह रहे हैं आपके सामने अभी सचिन जी ने कहा कि भाजपा के जो ज्यादातर नेता आते हैं वो धर्म की बात करते हैं जाति की बात करते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कि भाई धर्म की बात और जाति की बात चुनाव के समय क्यों होती है जो नेता ये बात चुनाव के समय कर रहा है इसका मतलब है कि उसके आधार पर आपसे वोट मांग रहा है तो कह रहा है कि भाई धर्म के आधार पर वोट दो या अपनी जाति के आधार पर वोट दो तो इसका मतलब है कि काम के आधार पर मांग नहीं सकता क्योंकि जो असली नेता होता है जिसने आपके लिए काम किया जैसे रघु शर्मा जी ने आपके लिए काम किया हमारी सरकार ने यहाँ पे आपके लिए काम किया तो हम काम के आधार पर काम के आधार पर आपसे वोट मांगते हैं या आपसे समर्थन मांगते हैं अब एक तरफ भाजपा के नेता जो ऐसी अजीब सी बातें करते हैं जब चुनाव के लिए आते हैं मैं मध्य प्रदेश में थी मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार है और 18 सालों से इनकी सरकार है लेकिन एक काम का नाम नहीं लेते जब मंच पे खड़े होते हैं वहाँ पे भी धर्म और जाति की बातें और उसी के आधार पर वोट तो 18 साल से आपकी सरकार रही आप काम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे मैं बताती हूँ अभी अभी कुछ दिनों पहले मैं गहलोत जी के साथ चुनाव प्रचार में निकली थी तो मैंने गहलोत जी से पूछा आपने यहाँ राजस्थान में अपनी सरकार में कितने रोजगार दिलवाए हैं गहलोत जी ने कहा कि देखिए दो लाख रोजगार तो दिलवा दिए हैं हमने और एक लाख और की हमने घोषणा की है जिसमें से चालीस हज़ार प्रोसेस में है और आप सोच सकते हैं कि यहाँ हमारी पाँच सालों से सरकार है यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में आपको दो लाख रोजगार दिलवाए हैं अट्ठारह सालों से बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार चल रही है 18 सालों से साढ़े तीन सालों में उन्होंने 21 रोजगार दिलवाए हैं यहाँ पाँच सालों में दो लाख वहाँ साढ़े तीन सालों में 21 सिर्फ 21 रोजगार दिलवाए हैं यहाँ पाठशालाएं खोली हैं इंग्लिश मीडियम की पाठशालाएं मैंने पूछा मुख्यमंत्री जी से कि हर ज़िले में है इंग्लिश मीडियम की पाठशाला हंसने लगे कहे हर जिले में क्या गांव-गांव में खोल रहे हैं हम वहाँ मध्य प्रदेश में 18 सालों से इनकी सरकार चल रही है पाठशालाएं बंद हो रही हैं सात हजार से ज़्यादा स्कूल बंद हो चुके हैं यहाँ पे केकड़ी में आपके लिए नया जिला बनाया गया यहाँ पे 400 बेड का अस्पताल बनाया गया जब कोरोना हुआ तो काफ़ी जाने इन चीज़ों से बची पिछले पांच सालों में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया जो आपकी सेवा की उसी के आधार पर हम आपसे वोट मांगते हैं इसीलिए यहाँ पे जो आपकी सरकार है अगर हम देखें तो चाहे हमारी यहाँ की सरकार को देखें चाहे छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार को देखें तो किसानों के लिए कितना काम किया है पंद्रह हजार करोड़ का कर्ज माफ़ हुआ है आप पूछिए जरा किसी प्रदेश में भाजपा ने किसान का कर्ज माफ़ किया है आपने काले कानून की बात की जब काले कानून के खिलाफ देश का सारा किसान आंदोलन कर रहा था तब ये क्या कर रहे थे इनके मंत्री के बेटे किसानों को अपनी जीप के पहियों के नीचे कुचल रहे थे उत्तर प्रदेश में और वही मंत्री इनके साथ मंच पर बैठा रहता था जब वो काले कानून आए तब किसान की कोई सुनवाई हुई एक साल होने वाला था किसान सड़क पे बैठा रहा सैकड़ों किसान शहीद हुए पानी नहीं था बिजली भी नहीं थी उस समय सड़क पे ही बैठे थे लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई सुनवाई तब हुई काले कानून वापस तब लिए गए भाजपा द्वारा जब दो महीनों में उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव आ रहा था चुनाव आने तक कोई सुनवाई नहीं हुई हम जब कहते हैं प्रदेशों में कि हम कर्ज़ माफ़ करेंगे किसानों के तो मालूम है ये लोग क्या कहते हैं क्या कहते हैं कहते हैं पैसे नहीं है इन चीज़ों को करने के लिए जिस समय किसानों का आंदोलन चल रहा था उस समय उत्तर प्रदेश के किसान का पंद्रह हज़ार करोड़ का बकाया था गन्ने का बकाया गन्ने का पंद्रह हजार करोड़ का बकाया था उसके थोड़े ही बाद मोदी जी की सरकार ने कहा कि हम बीस हजार करोड़ रुपए खर्चेंगे दिल्ली का जो संसद भवन है उसको सुंदर बनाना है तो हम उस समय पूछ रहे थे कि ये जो पंद्रह हजार करोड़ का जो बकाया है गन्ने का ये क्यों नहीं दे रहे हो कह रहे थे हमारे पास पैसा नहीं है किसानों के कर्ज को माफ करने के लिए पैसा नहीं था लेकिन संसद को जो सत्तर साल से अच्छा खासा चले आ रहा था संसद भवन उसको सुंदर करने के लिए आपके पास बीस हजार करोड़ हैं क्यों क्योंकि उसको करने से आपका मान सम्मान बढ़ रहा है और किसानों की कोई परवाह ही नहीं है आपको दो हज़ार यूनिट यहाँ पे आपको बिजली की फ्री में मिली है सिंचाई का बिल माफ़ हुआ है यहाँ आवारा पशु की जो समस्या थी उसको उसके लिए आपकी मदद के लिए सरकार ने सोचा कि किस तरह से मदद कर सकते हैं तो सड़सठ लाख मीटर की तार बंदी की छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है यही समस्या वहाँ थी तो सरकार ने गोबर खरीदना शुरू किया क्योंकि ये सोच थी कि अगर हम गोबर खरीदना शुरू करें तो लोग इस जानवरों को अपने घर में रख लेंगे पाल लेंगे क्योंकि उससे कमा लेंगे तो बहुत उनकी उनकी सुविधा हुई जो आवारा पशु पशु घूम रहा था उसको लोगों ने रख लिया घर में और सरकार ने गोबर खरीदी गोबर का गोबर गैस बनाया अन्य चीज़ें की तो सबका फ़ायदा हो गया इसी तरह से हमारी सरकार यहाँ कह रही है कि हमारी सरकार दोबारा बनेगी तो हम भी गोबर खरीदना शुरू करेंगे यहाँ पे ताकि राजस्थान में भी ये समस्या हल हो सके और ये लंपी की जो जो बीमारी आई थी इस समय भी चालीस हज़ार प्रति गाय को का मुआवजा मिला था आपको अन्य जगह जहाँ इनके प्रदेश हैं वहाँ पे इस तरह के काम नहीं होते हम खुद देखते आ रहे हैं इसलिए मैं कहती हूँ बातों का वजन समझो ये जब कहते हैं कि आपके लिए करेंगे इनसे पूछिए ना किया क्या है मध्य प्रदेश में 18 सालों से सरकार चली आ रही है वहाँ पे स्कूल बंद हो गए हैं वहाँ पे आवारा पशु की समस्या इतनी ख़राब हो गई है कि पूरी रात पूरे दिन पहरेदारी करनी पड़ती है खेतों की किसानों को किसी ने सुनवाई ही नहीं की किसी तरफ से इनकी सुनवाई नहीं है इनकी जो है सोच जो है ना भाजपा की सरकारों की आपको समझना पड़ेगा आज इनकी सोच इनकी जो विचारधारा है ये इनके इसके दो पहलू हैं सबसे पहले तो ये है कि जो गरीब है जो मिडिल क्लास है उसके लिए कोई सोच नहीं है आपसे सींचना और बड़े से खींचना और बड़े बड़े, बड़े, बड़े उद्योगपतियों को सींचना ये उनकी नीति है अब कैसे मालूम पड़ता है कैसे मालूम पड़ता है आपके कर्ज माफ़ करने के लिए कहते हैं कि पैसे नहीं हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के इन्होंने हज़ारों करोड़ माफ़ किए हैं आज इनके राज में मेरे ख्याल से देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि देश का किसान सत्ताईस रुपये प्रतिदिन कमाता है और अडानी जी एक इंसान एक अडानी सोलह हज़ार करोड़ रुपए एक दिन में कमा रहा है सोचिए ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं देश की सारी संपत्ति इनको दी जा रही है सारे हवाई अड्डे सारे बंदरगाह बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिससे आपको रोज़गार मिलते थे ये सारा इनके बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को मिल रहा है यहाँ सरकारी कर्मचारी रो रहा है कह रहा है भाई पुरानी पेंशन दे दो हमें वापस 20 साल से हम मेहनत करते हैं 20 साल 20 सालों के लिए हर महीने आप हमारा पैसा काटते हैं पेंशन के लिए हमारी मेहनत हमारी कमाई आप हर महीने काटते हैं 20 सालों के बाद हमें सुरक्षा चाहिए जैसे पहले हमारे हमें पेंशन के पैसे हमें दिए जाते थे उसी तरह से दीजिए ये लोग क्या कर रहे हैं पेंशन के पैसे इकट्ठे करके उनका निवेश कर देते हैं अब सरकारी कर्मचारी कह रहा है कि भाई ये मेरे पैसे हैं मेरी बीस साल की कमाई है जो आपने हर महीने काटी आप इसका निवेश कहीं गलत जगह कर लिए और ये पैसे आप गवा दें तो मेरा क्या होगा मेरी कमाई का क्या होगा सरकारी कर्मचारियों का की कोई सुनवाई नहीं है इनके हर प्रदेश में नई पेंशन स्कीम चल रही है कांग्रेस के हर प्रदेश में पुरानी पेंशन स्कीम चल रही है राजस्थान में है हिमाचल में है छत्तीसगढ़ में है हर जगह कर्नाटका में हर जगह पुरानी पेंशन की स्कीम हम नहीं कह रहे कि पैसे नहीं हैं हम कह रहे हैं हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे इसके लिए हम कह रहे हैं हमें कर्ज माफ़ करना है हम पैसे ढूंढ के निकालेंगे अब इनकी सोच देखिए मेरी बहनें बैठी हुई हैं महिलाओं के लिए यहाँ पे आपकी सरकार ने बहुत किया है सबसे पहले तो आपके लिए महंगाई की राहत कैंप बनाएँ अब सोचिए कि ये नौबत आ गई है कि केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकार को राहत के कैंप लगवाने पड़ रहे हैं सिलेंडर आपको 500 में मिल रहा है एक करोड़ लोगों को बिजली बिल की बिल जो शून्य हो गई इंदिरा रसोई बनाई गई आठ रुपये में आपको भरपेट भोजन मिलता है चालीस लाख मोबाइल दिए गए महिलाओं को छात्राओं को स्कूटी देने का काम शुरू हुआ है केजी और पी के से पीजी तक निशुल्क शिक्षा महिलाओं के लिए सरकारी बसों में आधा किराया सरकारी नौकरियों में तीस प्रतिशत आरक्षण दसवीं पास होने पर दस हज़ार रुपये बारहवीं पास होने पर बीस हज़ार रुपये अब हम इसकी तुलना करते हैं भाजपा के प्रदेश से मध्य प्रदेश से अट्ठारह सालों के लिए महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया 18 सालों के लिए कुछ नहीं किया आप चुनाव आ रहा है दो महीनों पहले इन्होंने महिलाओं को कहा कि अपने खाते खोलो हम आपके खातों में पैसे डालेंगे दो महीने पहले अट्ठारह साल से इनकी सरकार चल रही थी अट्ठारह सालों से महिला की कोई सुनवाई नहीं थी महिला तो अट्ठारह साल से संकटों का सामना कर रही थी संघर्ष का सामना कर रही थी देखिए चाहे महंगाई हो चाहे समाज का बोझ हो महिला ही उठाती है महंगाई का सामना सबसे ज्यादा महिला करती है जब जिस दिन घर में दिहाड़ी नहीं आती उस दिन महिला भूखी रहेगी सबको बाकी सबको खिला के सोएगी क्या बात है बातें नहीं सुननी फिर अब बोलू तो चाहे हम महिलाओं की बात करें चाहे हम किसानों की बात करें चाहे हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें चाहे हम छोटे जहाँ यहाँ बहुत सारी छोटी दुकानें हैं छोटे बिजनेस हैं अब देखिए आज देश की परिस्थिति क्या है केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसकी नीति क्या है इसको समझते हैं हम नीति ये है कि अडानी जी अंबानी जी जैसे जो बड़े बड़े पाँच छः उद्योगपति हैं उनको देश की सारी संपत्ति सौंप देते हैं और जो छोटे उद्योगपति हैं जो छोटे दो दुकानदार हैं जो छोटे कारोबार संभालते हैं उनको क्या किया पहले नोटबंदी की सबको बोला कि भाई कतार में खड़े हो जाओ देशभक्ति की बात है आप लोग खड़े हो गए हुए कि नहीं अंत में क्या हुआ कोई काला धन वापस नहीं आया अंत में नुकसान तो छोटे कारोबारों का हुआ छोटे बिजनेस वालों का छोटे दुकानदारों का हुआ नोटबंदी हुई उसके बाद कोरोना आया कोरोना में आपको कोई राहत नहीं दी केंद्र सरकार का काम होता है कि राहत दे जब आपदा आती है जब इस तरह की महामारी आती है तो जनता की मदद करे सहायता करे नहीं हुआ उसके बाद क्या हुआ मदद करने के बजाय जीएसटी थोप दी अब जीएसटी से आपकी आपकी मतलब पैरों पे आपकी कुल्हाड़ी मारी हर तरफ से आपको नुकसान होता है और ऊपर से आप कमा नहीं पा रहे ऊपर से महंगाई बढ़ती चली जाती है हर चीज़ पे जीएसटी है तो अब हर स्तर पे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उससे आपके लिए कुछ नहीं हो रहा है और जहां जहां इनकी प्रदेश की सरकारें हैं वहां स्वास्थ्य की सुविधाएं ठप है शिक्षा की सुविधाएं ठप है आपके लिए किसानों के लिए जो सुविधाएं हैं वो खत्म है तो आपके सामने एक दो राहें हैं आप इधर खड़े हैं एक तरफ आप बीजेपी को चुनेंगे भाजपा को चुनेंगे तो आप देख सकते हैं कि किस तरह की नीतियां आपके प्रदेश में लागू होंगी किस तरह के जो जितने भी अच्छे काम कांग्रेस पार्टी कर रही है आपके लिए वो सारे बंद हो जाएंगे ये पुरानी पेंशन की स्कीम ये किसानों का कर्ज माफ़ होना ये बिजली की बिल जो फ्री है ये सब बंद हो जाएगा ये कुछ भी कहें कैसी भी घोषणाएं करें मध्य प्रदेश में इन्होंने बाईस हज़ार घोषणाएं की बाईस हज़ार घोषणाएं इतनी हैं कि खुद इनको याद नहीं होगी बाईस हज़ार घोषणाएं की बाईस तक इन्होंने पूरी नहीं की है अट्ठारह सालों से इनकी सरकार चल रही है तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि देखिए स्वास्थ्य में भी आपके लिए काम हुए अस्पताल खुले चिरंजीवी योजना आई मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ यहाँ आते वक्त जिनका हार्ट का पूरी सर्जरी सरकार के द्वारा हो गई मुझे कहा कि दीदी एक भी पैसा नहीं भरना पड़ा एक लड़का था उसे कैंसर था छोटा सा बच्चा उसके पिताजी ने मुझे बताया कि जितनी भी दवा थी सब सरकार द्वारा हो गई ये जो चिरंजीवी योजना है आपको इसमें 25 लाख तक आप इलाज करा सकते हैं ऐसी योजनाएं है भाजपा के प्रदेशों में नहीं है भाई और बहनों युवाओं के लिए मैंने पहले कहा ही कि दो लाख से अधिक नौकरियां बनी हैं और एक लाख की घोषणा हो गई है जिसमें से चालीस हज़ार अभी प्रोसेस में है इनकी प्रक्रिया शुरू है हमने एक कानून बनाया है हम समझते हैं आपकी पीड़ा क्या है कि आप इतनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं फिर बच्चे पेपर भर्ती की परीक्षा करते हैं उसमें पेपर लीक कर लेता है कोई या कोई घोटाला हो जाता है हम समझते हैं कि कितनी पीड़ा होती है क्योंकि आप मेहनत करते हो प्राइवेट में ट्यूशन भी करा देते हो फीस भरने के लिए खूब मेहनत करते हो बच्चे मेहनत करते हैं बच्चे अपना भविष्य उज्जवल देखना चाहते हैं और फिर भी उसमें पेपर लीक हो जाए तो इसमें बहुत पीड़ा होती है बहुत नुकसान होता है नौजवानों का तो इसलिए हमने यहाँ कानून लागू करना है जिसमें जब पेपर लीक होता है जो भी पेपर लीक करता है उसको पूरे जीवन की सजा मिलेगी अगर उसको पकड़ा जाएगा तो ऐसा कानून किसी राज्य में नहीं बनाया गया है यहां पानी की भी सुविधा लाखों परिवारों को मिली आप मध्य प्रदेश जाइए इनके अलग अलग प्रदेशों में जाइए बड़ी बड़ी बातें हैं इश्तिहार तो बढ़िया बढ़िया दिख जाएंगे नेता बढ़िया बढ़िया बातें करेंगे लेकिन धरातल आप ये पर ये, आप ये काम नहीं देख पाएंगे तो देखिए आपको समझने की जरूरत है कि जैसे मैं कह रही थी आप दो पे खड़े हैं एक तरफ भाजपा की नीतियाँ एक तरफ कांग्रेस की नीतियाँ वो आपसे आपकी संपत्ति ले रहे हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे रहे हैं हम ये समझते हैं कि लोकतंत्र में सरकार की कोई संपत्ति नहीं है हम समझते हैं कि सरकार की पूरी संपत्ति जनता की होती है जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं हमारा प्रयास रहता है कि आपके जेब में आपके पैसे आए चाहे वो किसानों के कर्ज माफ़ करने के ज़रिए हो या फ्री में बिजली दिलवाने की या फ्री में शिक्षा दिलवाने की या फिर आपको रोज़गार दिलवाने की ये सब बातें जो है ये एक अलग तरह की राजनीति है ये राजनीति ऐसी है जो ग्राम को गांव को मजबूत करने वाली राजनीति है आपके हाथों में शक्ति देने वाली राजनीति है इसलिए जो हम अगले अगली सरकार में जब हम कह रहे हैं कि अगर सरकार बनेगी तो हम कुछ गारंटी लाएंगे वो भी हम इसी सोच से ला रहे हैं एक तो ये जो ओ है पुरानी पेंशन की स्कीम इसको हम कानून द्वारा लागू करेंगे मतलब कानूनी गारंटी होगी ये दूसरा एक करोड़ परिवारों को पाँच सौ में सिलेंडर दिलवाएंगे महिला मुखिया को दस हज़ार रुपये सालाना दिलवाया जाएगा जो परिवार की महिला मुखिया होती है दो रुपए प्रति किलो गोबर को खरीदा जाएगा आपसे मतलब कि वही जो हमने छत्तीसगढ़ में लागू किया यहाँ लागू होगा ताकि ये जो आवारा पशु की जो समस्या है थोड़ी कम हो जाए सरकारी कॉलेज में जो फर्स्ट ईयर के छात्र हैं उनको लैपटॉप और टैबलेट दी जाएगी आपदा से पीड़ित जो परिवार हैं उनको पंद्रह लाख तक फ्री बीमा मिलेगा और अंग्रेजी मीडियम शिक्षा की सब छात्रों को गारंटी होगी ये हम अगर हमारी सरकार फिर से बनेगी तो ये हम गारंटी करते हैं कि ये चीज़ें हम लागू करेंगे और जितनी भी स्कीम हमने चलाई हैं आपके लिए जितने काम हमने पाँच सालों में करके दिखाए हैं वो काम हम निरंतर करते चले जाएंगे भाजपा आएगी बहनों और भाइयों तो ये सब बंद हो जाएगा गलत फहमी में मत पड़िए आपको सिर्फ इनके प्रदेशों में देखना है कि क्या हो रहा है आपको पता चलेगा कि जो इनकी नीतियां हैं ये जनता की कमर तोड़ रही हैं। महंगाई, बेरोजगारी आज चरम पे है पूरे देश में लोग परेशान हैं यहाँ से आप बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी जो नीतियाँ हैं उनसे बचा कर रखा है आपको राजस्थान की प्रदेश सरकार ने महंगाई और बेरोजगारी का सामना करने के लिए आपको मज़बूत बनाने का प्रयास किया है और ये प्रयास बंद नहीं होगा आपको अच्छी तरह समझना चाहिए कि जब ये सिलेंडर की बात करते हैं सिलेंडर का दाम कौन तय करता है प्रदेश की सरकार नहीं तय करती सिलेंडर का दाम केंद्र की सरकार मतलब भाजपा की मोदी जी की सरकार तय करती है पेट्रोल डीजल का दाम कौन तय करता है गहलोत जी की सरकार नहीं तय करती ये मोदी जी की सरकार भाजपा की जो है दिल्ली में ये तय करते हैं जीएसटी का पैसा कहाँ जाता है ये प्रदेश की सरकार में नहीं जाता जीएसटी का पैसा केंद्र सरकार को जाता है तो ये सारे काम केंद्र सरकार के हैं इनकी जिम्मेदारी थी कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें इनकी जिम्मेदारी थी कि महंगाई पे रोक लगाएं इनकी जिम्मेदारी थी कि ये जो सिलेंडर के बढ़ते जो हुए दाम हैं इनको रोकें इन्होंने नहीं किया आपको इससे बचाने के लिए यहाँ महंगाई के राहत कैंप लगवाए गए सिलेंडर का दाम कम किया गया किसानों को राहत दी कर्ज़ माफ़ किए ये सब आपको बचाने के लिए इनकी नीतियों से किया गया इसीलिए आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आज जो परिस्थितियां हैं वो आप बदलना चाहते हैं आप आगे बढ़ना चाहते हैं या आप इन परिस्थितियों को ऐसे रखना चाहते हैं कि आपको राहत मिलते जाए आपको की सहायता होती जाए आज अगर आप सरकार बदलेंगे और आप भाजपा की सरकार लाएंगे तो आपका बहुत नुकसान होने वाला है क्योंकि 10 सालों में अगर आप समझदारी से और विवेक से देख रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि देश का जो अमीर है वो अमीर होता चले जा रहा है देश का गरीब पिसता चले जा रहा है किसान इतना परेशान है कि खेती में कमाई ही नहीं रही तो जो परिस्थितियां आपके प्रदेश में हैं उनका सामना करने के लिए आपकी प्रदेश सरकार आपकी बहुत सहायता कर रही है जो परिस्थितियां महंगाई की वजह से बेरोज़गारी की वजह से देश भर में लोग देख रहे हैं वो आप अपने प्रदेश में नहीं चाहते आप अपने प्रदेश में विकास चाहते हैं तरक्की चाहते हैं आपने देखा है कि किस तरह से अगर एक अच्छी सरकार हो जिसकी सही नीयत हो तो आपके लिए ऐसी तमाम योजनाएं परियोजनाएं बनती हैं जिनसे आपकी सुविधा होती है तो ध्यान से समझ लीजिए आज जो राजस्थान में हो रहा है उसको रोकिए मत आज जो काम चल रहा है उसको रोकिए मत आज जो आपको सुविधाएं मिल रही हैं उन्हें रोकिए मत अगर आप भाजपा में अपना अपनी इस बार अपना वोट डालेंगे भाजपा के लिए और अपना विश्वास उनमें डालेंगे तो आपके साथ वही होगा जो मध्य प्रदेश की जनता के साथ हो रहा है परेशान हो जाएंगे पीड़ित रहेंगे और आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी आपको समझदारी से अपने विवेक से अपना वोट देना पड़ेगा और देखिए हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र है इसका मतलब क्या होता है आज़ादी की लड़ाई जब लड़ी तो किस लिए लड़ी नेताओं ने अपने लिए तो नहीं लड़ी कि वो आज़ाद होंगे आपके लिए लड़ी कि जनता आज़ाद होगी जनता अपना शासन खुद करेगी स्वराज जिसको कहते थे इसका मतलब है कि गांव में मजबूती आएगी आप सशक्त बनेंगे और सबसे बड़ी चीज़ लोकतंत्र में आपको क्या दी गई आपका वोट और ये जो वोट है ना इसको धर्म के आधार पर जाति पे के आधार पर इन पे डाल डाल के आप खुद अपना नुकसान कर रहे हैं और नुकसान मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये बातें राजनीति में इनका इस्तेमाल हो रहा है आपके लिए नहीं कह रहे हैं ये बातें ये आपके जज्बातों को उभारने के लिए कह रहे हैं कि देखो चुनाव आएगा हम मंच पे खड़े हो जाएंगे हम धर्म की बातें कर लेंगे हमको वोट मिल जाएगा और जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं मैंने एक अनोखी चीज़ देखी है आपको बताना चाहती हूँ मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी से बातचीत कर रही थी तो हम दोनों ये बात कर रहे थे कि जैसे छत्तीसगढ़ राजस्थान जैसे प्रदेश हैं उसमें सरकार की एक जवाबदेही बनी हुई है मतलब जो नेता है मुख्यमंत्री है मंत्री है वो जानता है कि जनता को जवाब देना पड़ेगा हम काम कर रहे हैं काम के आधार पर हम जाके वोट मांगेंगे तो काम तो दिखाना पड़ेगा है कि नहीं और हम ये बात कर रहे थे कि अनोखी बात यह कि जहाँ भाजपा की सरकार है उन्हें ये एहसास नहीं है जहाँ भाजपा की सरकार है वो नेता सोचते हैं कि उन्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो काम के आधार पर वोट मांगने नहीं आते धर्म के आधार पर आते हैं तो वो सोचते हैं कि भाई हमें तो वोट मिलना ही है हम धर्म की बातें कर लेंगे अच्छी अच्छी बातें लोग हमारी बातों को मान जाएंगे लोग के जर, लोगों के जज्बात जुड़ जाएंगे हमसे तो काम करने की क्या ज़रूरत है तो ये आज भाजपा के नेताओं की मन में जो है ये बात बैठ गई है इनकी आदत बन गई है ये इनको ये भी नहीं लगता कि आपके सामने आए तो आपके काम की बात करें आपके प्रति जो जवाबदेही है ना इनके प्रदेशों में ख़त्म हो गई है तो मैं सिर्फ आपसे एक का बात कहना चाहती हूँ कि भाई जवाबदेही मांगो आज कांग्रेस की सरकार ने आपके लिए काम करके दिखाया है आपकी सहायता की है आपको मदद मिली है जितनी भी केंद्र सरकार की वजह से जो महंगाई बढ़ी जो बेरोजगारी हुई जो परेशानियाँ आई आपकी सहायता करके प्रदेश की सरकार ने उनका सामना करने के लिए आपको मजबूत बनाया इसीलिए जागरूक बनो समझो कि ये जो सरकार है आपके लिए दिल से काम कर रही है सही नीयत से कर रही है और अपनी जागरूकता और विवेक से ही ये वोट डालो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इसको नकारो मत कोई आकर फिजूल की बातें करे आपके सामने इधर उधर की बातें करे इनकी बात मत मानो बहुत हो गया है देश बिगड़ रहा है दस सालों से देश में केंद्र में इनकी सरकार चली आ रही है दस सालों से बार बार यही बातें जैसे पायलट जी ने कहा कभी भारत पाकिस्तान कभी हिंदू मुसलमान कभी धर्म कभी जाति इससे आपका नुकसान हो रहा है सिर्फ इनका फ़ायदा हो रहा है सोच लीजिए एक दूसरे को लड़ाने में कभी आपका फायदा नहीं होता कभी किसी गरीब का फ़ायदा नहीं होता लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं घृणा होती है समाज में फूट फैलती है तो आपका नुकसान होता है आपने कभी देखा है कि किसी नेता का नुकसान हुआ आपने कभी देखा कि कोई दंगा हो गया और उसमें नेता का नुकसान हो गया उसका कुछ ख़राब हो गया उसको चोट आ गई उसके बच्चों को चोट आ गई कभी देखा है कभी नहीं कभी नहीं तो समझ लो कि इन बातों से नुकसान हो रहा है आपका राजनीति होनी चाहिए आपके विकास के लिए सीधी सी बात है नेता का कोई धर्म नहीं होता नेता का धर्म होता है सेवा करना यही सबसे बड़ा धर्म होता है नेता का हमारे देश में हम सब धार्मिक लोग हैं सबके दिल में धर्म है ऐसा नहीं है कि किसी के में नहीं है चाहे किसी भी धर्म के हों चाहे हम हिंदू हों मुसलमान हो ईसाई हो, हो बौद्ध हो कुछ भी हो अपने धर्म को हर हिंदुस्तानी मानता है और उसकी श्रद्धा है उसके प्रति लेकिन राजनीति में नेता को ये समझना पड़ेगा कि उसका सबसे बड़ा धर्म देश सेवा जनता की सेवा है और ये समझाना आपका काम है अब आपने दस सालों से देख लिया बड़े बड़े आप इश्तिहार देखते हैं ऐसा लगता है कि देश बहुत तरक्की कर रहा है तो ठीक है देश तरक्की कर रहा है तो भाई तुम तरक्की क्यों नहीं कर रहे हो अगर देश तरक्की कर रहा है तो गरीब तरक्की क्यों नहीं कर रहा है तरक्की कांग्रेस के प्रदेशों में आ रही है क्योंकि कांग्रेस की सरकारों की नीतियाँ आपके लिए गरीबों के लिए हैं आप बाहर जाए भाजपा के प्रदेश में तो देखिए देश की नीतियाँ देखिए केंद्र सरकार की तो आपको पता चलता है कि क्या हो रहा है देश में तो ये सब बड़ी लंबी बातें की हैं मैंने लेकिन मेरी आशा है कि आप इन आपने ध्यान से सुनी बातें और इनकी आधार पर आप वोट डालोगे अगर आप सोच समझ के अपना वोट डालोगे तो आपका वोट कांग्रेस को ही जाएगा इस चुनाव में भाजपा को जिता के गलती मत करिए इनको वैसे भी मालूम है कि हारने वाले हैं आपने कहा मध्य प्रदेश में आपने कहा मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में जहां जहाँ पोलिंग हुई है वहां वहां दावे के साथ हम कह सकते हैं कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस की सरकार इसलिए बन रही है क्योंकि कांग्रेस ने काम करके दिखाया है कांग्रेस ने दिन रात आपके लिए एक करके दिखाया है गहलोत जी का कहना है कि आप मांगते मांगते थक जाओ मैं देते देते नहीं थकूंगा और हम करना चाहते हैं आपके लिए रघु शर्मा जी को आप जानते ही हैं मुझे नहीं मालूम था कि पहलवान भी थे तो इनको भारी बहुमत से जिताओ आपके लिए लड़ेंगे जितना काम कर सकते हैं आपके लिए करके दिखाएंगे आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ध्यान से आपने मेरी बातें सुनी जय हिंद